आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल इज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जल्द के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड चिल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ़ यूटूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूटूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सूर्यस मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोग्फा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेमाग्राफ़ी का एवॉर्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगी खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूटूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएँगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और, और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वह अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसीला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वह अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर से बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो गौरव की है और आर्य है वो की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरव करी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फ़िल्म को ज़रूर देखिए यह आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड इज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जिल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जिल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब रैंट पर और नैटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये अवेलेबल है अगर आप यूटूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजीत कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोगफा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डा चूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सीनेमोग्राफी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूटूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वह अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरज सब कुछ है और अचानक से आपको बेच दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कारवकी है और आर्य है वो कलिंग कलिंगी राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड इज़ गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फ़िल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर यह ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजीत कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोगा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर हैं और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेमाग्राफ़ी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूटूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी लामे एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुशीमा मौर्या जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषीमा का सामना करता है और बाद में सुषीमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमार के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वह अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सोलत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरव की है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरव करी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालांकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मज़ा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हट के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोक फ़िल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूटूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल एज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जल्द के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जिल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फिलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजीत कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोग्फा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सीनेमाग्राफी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद जरूर ब्लॉकबास्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या यह मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूटूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूटूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी है एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और, और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वह अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नजर साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरवकी है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड इज़ गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर यह ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोगा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर हैं और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेमाग्राफी का अवॉर्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे YouTube पे रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको YouTube पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये YouTube पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को YouTube पे रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब YouTube पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी लामे एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्या जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषीमा का सामना करता है और बाद में सुषीमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमार के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वह अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर से बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सरज सब कुछ है और अचानक से आपको बेच दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरव की है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से युवा भी कर लेते हैं हालांकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मज़ा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोक फ़िल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूटूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की फिल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल इज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जेल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी गफा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सैनोोग्राफी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबास्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूटूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अरशो के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसीला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नजर साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारों के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कारवकी है और आर्या है वो कलिंगी राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड इज़ गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जल्द के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी वी पर यह ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूटूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सूर्य मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोगा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सीनेग्राफी का अवॉर्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद जरूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको YouTube पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये YouTube पर नहीं आएँगी फ्यूचर में इस मूवी को YouTube पे रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब YouTube पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तक्षिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषीमा मौर्या जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषीमा का सामना करता है और बाद में सुषीमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारों के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है ज़ाहिर से बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरव की है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरव करी गुप्त रूप से यूआा भी कर लेते हैं हालाँकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मज़ा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोक फ़िल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूटूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल इज़ गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जिल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जिल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूटूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोग्फ़ा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर हैं और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट सीनेमाग्राफी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे ख़ैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूटूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसीला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारों के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कारवकी है और आर्य है वो कलिंगी राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालांकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए यह आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड एज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जेल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी वी पर यह ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फ़िल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजगफा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेमामग्राफी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूटूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूटूब पे रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वह अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुशीमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषीमा का सामना करता है और बाद में सुषीमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वह अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर से बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरव की है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरव करी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोक फ़िल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल इज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जल्द के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड चिल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूटूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सूर्यस मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोग्फा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेमाग्राफ़ी का एवॉर्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉक हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वह अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कारवकी है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड एज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अभी इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जेल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ YouTube रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल TV पर यह ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप YouTube पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फ़िल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के जबरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोग्फा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेमाग्राफ़ी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूटूब पर फिलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूटूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतले भाई सुशीमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझकर कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषीमा का सामना करता है और बाद में अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वह अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको बेच दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरव की है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरव करी गुप्त रूप से युवा भी कर लेते हैं हालांकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मज़ा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फ़िल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूटूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल इज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोग्फा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट सोनेमाग्राफ़ी का अवॉर्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएँगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक तो इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएँगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी ला एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और, और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वह अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्या जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषीमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो गौरव की है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और गौरव करी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालांकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूटूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूटूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल एज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जिल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड चिल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब रैंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप आग देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डेंजोगा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डा चूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सीनेमाग्राफ़ी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद जरूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे ख़ैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूटूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूटूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी है एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वह अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नजर साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरवकी है और आर्य है वो कलिंग कलिंगी राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड इज़ गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर यह ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूटूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोग्फा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर हैं और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेटोग्राफी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद जरूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको YouTube पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये YouTube पर नहीं आएँगी फ्यूचर में इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब YouTube पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी है एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुशीमा मौर्या जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषीमा का सामना करता है और बाद में सुषीमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमार के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वह अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर से बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो गौरव की है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से युवा भी कर लेते हैं हालांकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मज़ा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोक फ़िल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूटूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की फिल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल इज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जेल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी गफा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सीनेमाग्राफी का अवॉर्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगी खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएँगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और, और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वह अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषमा मौर्या जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर से बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरव की है और आर्य है वो की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरव करी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मज़ा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूटूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल इज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जिल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड चिल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रैंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोगा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डा चूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सीनेमाग्राफी का अवॉर्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबास्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसीला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नजर साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारों के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कारवकी है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए यह आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड एज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जल्द के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी वी पर यह ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फ़िल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजगफा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेमाग्राफ़ी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे YouTube पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको YouTube पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये YouTube पर नहीं आएँगी फ्यूचर में इस मूवी को YouTube पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब YouTube पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएँगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषमा मौर्या जिसकी नज़र साम्राज्य से सिहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषीमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर से बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरज सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरव की है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरव करी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोक फिल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल इज़ गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जिल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जिल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूटूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सूर्यस मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोग्फा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर हैं और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट सीनेमाग्राफी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे ख़ैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूटूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूटूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसीला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारों के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कारवकी है और आर्य है वो कलिंगी राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालांकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फ़िल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए यह आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड इज़ गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जेल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी वी पर यह ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फ़िल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजगफा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेमामग्राफी का एवॉर्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूटूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूटूब पे रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएँगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषीमा का सामना करता है और बाद में सुषीमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वह अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर से बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरव की है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरव करी गुप्त रूप से युवा भी कर लेते हैं हालांकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोक फ़िल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल इज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जल्द के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड चिल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूटूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूटूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सूर्यस मैनन हर्षिता भट्ट डैनी गफा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सीनेमामोग्राफी का एवॉर्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉक हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूटूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कारवकी है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड इज़ गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अभी इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जेल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ YouTube रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल TV पर यह ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फ़िल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजित कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोगा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फ़िल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेमाग्राफ़ी का एवॉर्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूटूब पर फिलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूटूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी में एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वे अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतले भाई सुशीमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषीमा का सामना करता है और बाद में अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वह अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरव की है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरव करी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालांकि फ़िल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मज़ा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फ़िल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूटूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड ओल इज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जल्स के पास ही है और इन्होंने इस फिल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ YouTube रैंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर ये ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूटूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजीत कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैजोग्फ़ा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डा चूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर है और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट सीनेमोग्राफी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद जरूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे ख़ैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएंगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूटूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊंगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसी ला एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खूनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और, और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वह अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषिमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमारी के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वे महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत सौरत सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेस धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कारवकी है और आर्य है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरव गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालाँकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफ़ी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके वार मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फिल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक और शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस कमाल की मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी और आपका यही सवाल होगा क्या ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है या नहीं तो सारी बातें वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक शानदार फिल्म को देख सकें आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इसका नाम अशोका है अशोका जो कि दो की, की फ़िल्म है मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो बात तो है ना ओल्ड एज गोल्ड इस फिल्म के अंदर हमें वॉर एक्शन देखने को मिलता है और तकरीबन इस फिल्म का रन टाइम तीन घंटे के आसपास का रहा है और मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी दोस्तों जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बढ़िया रही थी और इसे डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने और इस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें अनु मलिक और संदीप चोपटा का देखने को मिलता है और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने हालांकि अब इसके राइट्स रेड जेल्स के पास ही है और इन्होंने इस फ़िल्म के राइट्स ले लिए हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिलती है फ्री में तो शायद रेड जल्द के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो है वो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में दोस्तों देखना ही चाहते हैं तो या तो आप इसे जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अन्यथा दोस्तों ये मूवी आप सभी को जो है वो देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेंट पर और नेटफ्लिक्स और एप्पल टी पर यह ऐसे तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो ये रेंट पर उपलब्ध है बाकी जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होनी आवश्यक है तभी आप जो है वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मूवी ऐसे दोस्तों काफ़ी गजब की है और शाहरुख खान ने काफ़ी बढ़िया काम भी इस फिल्म के अंदर किया हुआ है इस मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान करीना कपूर खान अजीत कुमार जो कि साउथ के ज़बरदस्त एक्टर है इसके अलावा सुरेश मैनन हर्षिता भट्ट डैनी डैनजोग्फा शिल्पा मेहता जॉनी लेवर राहुल देव ग्रैसेन डाचूहा रघुबीर यादव ऐसे बहुत सारे कमाल के किरदार हमें देखने को मिलते हैं संतोष सिवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है जो कि पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ तो दिए हैं लेकिन वो एक सारे साउथ के डायरेक्टर हैं और साउथ की मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सोनेमाग्राफ़ी का अवार्ड जीता हुआ है हालांकि वो मूवीज़ तो बनाते नहीं है लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई मूवी बनाएंगे तो शायद ज़रूर ब्लॉकबस्टर हो जाएंगे खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में थोड़ा आगे तो दरअसल आप में से जो लोग ये जानना चाहते थे क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं तो इसका जवाब दोस्तों ना है क्योंकि अभी तक इसे यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं कराया है और मेरे हिसाब से शायद ही आपको यूट्यूब पर फ़िलहाल देखने को ना मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये यूट्यूब पर नहीं आएँगी फ्यूचर में इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा कब यूट्यूब पर आती है ये मैं आपको फिर बताऊँगा जब ये यूट्यूब पर आएंगी ये कहानी दोस्तों फिल्म की जो होती है वो अशोक के जीवन के ऊपर ही होती है और उसके जीवन के शुरुआती हिस्से को यहाँ पर दर्शाती है फिल्म की शुरुआत होती है तकसीलाम है एक सेनापति के रूप में और उनके करियर से होती है और अंतकालीन में खुनी विजय के साथ होता है अब जो मौर्य साम्राज्य है सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म अपनाने और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में साम्राज्य की गद्दी छोड़ने का फैसला किया होता है लेकिन उसके पोते राजकुमार अशोक उनके तलवार का दावा करते हैं और बूढ़े साम्राज्य सम्राट ने समझाया कि वह तलवार बूढ़ी है और वह तलवार खून और विनाश की मांग करती है कुछ साल बाद राजकुमार अशोक जो कि एक बहादुर युवक होता है और वह अपने सम्राट और पिता के लिए जो है वह तकसिला में विद्रोही प्रमुख से लड़ रहा होता है उसे लगता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुषिमा मौर्य जिसकी नज़र साम्राज्य से सिंहासन पर थी जिन्होंने जानबूझ कर सियाना को आने से रोक दिया है लेकिन फिर भी वो दुश्मन को हरा देता है अशोक विजय होकर राजधानी लौटता है और सुषीमा का सामना करता है और बाद में सुषिमा अशोक की हत्या करने के लिए कोशिश करता है जब वह नहा रहा होता है राजकुमार के बीच लड़ाई में सम्राट नाखुश होता है और वह महारानी धर्मा को अपने बेटे अशोक को नियंत्रित करने का आदेश देता है और वे अशोक को एक आम व्यक्ति की तरह ही जीवन जीने के लिए अस्थायी रूप से राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है राजकुमार यहाँ पर निराश हो जाता है लेकिन फिर वो चला जाता है जाहिर सी बात है अगर आज आपके पास पैसा बंगला गाड़ी दौलत वरस सब कुछ है और अचानक से आपको भेज दिया वनवास में तो फिर क्या सा लगेगा हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है अशोक यहाँ पर अकेले एक साधारण यात्रा का वेश धारण करता है और दक्षिण की यात्रा करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह एक सुंदर युवती से मिलता है जिसका नाम कोरबकी होता है और उससे प्यार करने लगता है और वह उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अच्छे संबंध बना लेता है और वो भी अपने वफादार रक्षक की भीम के साथ कलिंग राज्य में भाग रहा होता है और वह राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को पवन के रूप में पेश करता है अब जो कौरवकी है और आर्या है वो कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उसके माता पिता की हत्या करने और सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने राज्य से भाग गए थे और बाद में अशोक और कौरवकरी गुप्त रूप से विवाह भी कर लेते हैं हालांकि फिल्म के अंदर यहाँ से जो ट्विस्ट चलते हैं वो दोस्तों देखने में काफी मजा आएगा जो कि आप इस मूवी के अंदर देखेंगे कुल मिलाकर कहो तो एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करने वाली है फिल्म के अंदर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और साथ ही में इस मूवी की रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप कुछ हटके के मूवी देखना चाहते हैं और शाहरुख खान की एक अनोखी मूवी देखना चाहते हैं तो आप अशोका फ़िल्म को ज़रूर देखिए ये आपको यूट्यूब पर भी रेंट पर मिल जाएंगी